आज से हम एक नई YouTube चैनल का शुभारंभ कर रहे हैं, द इंडियन हाउस वाइफ्स। तो भारत की करोड़ों गृहिणियों का इस नए प्रोग्राम में, नए चैनल में स्वागत है। भारत में करोड़ों जो गृहिणियाँ हैं, जो अपने आप को हाउस वाइफ कहती हैं, ये अपने परिवार की बहुत बढ़िया सेवा करती हैं। बच्चों को खूब ध्यान देती हैं, उनका परवरिश करती हैं, उनको स्कूल भेजना, कुछ और क्लासेज अटेंड करवाना, दिन भर लगी रहती हैं। खाना पीना तो घर में चलता ही रहता है और घर के परिवार के सभी लोगों का ध्यान रखती हैं। सलाम है इन सभी गृहिणियों को। और ये जो हम ये नया चैनल जो शुरू करने जा रहे हैं, पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये चैनल जो है नॉन कमर्शियल है, कोई पैसे कमाने का उद्देश्य इस चैनल का नहीं है। तो अलग अलग यूट्यूब के चैनलों से कुछ मटेरियल लेके इसमें हम दिखाएंगे, और साथ साथ में कुछ व्हाट्सएप पे बहुत चीज़ें घूमती रहती हैं, वो भी कुछ इसमें डालते रहेंगे, और आपका कुछ मनोरंजन भी होगा, कुछ ज्ञान भी बढ़ेगा सभी गृहिणियों का। तो सभी का फिर से स्वागत है। और अभी जो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं इस एपिसोड का, इत्तेफाक से उसी नाम से, उसी टाइटल से, द हाउस वाइफ के टाइटल से ही एक मिल गया है। एक यूट्यूब चैनल है, द इंडी MM करके है, आप भी उसको ढूंढ के जो सर्च करके और दूसरे उनके एपिसोड देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, चलिए। ये मैं हूं और ये मेरी जिंदगी है। वो कहते हैं ना, भगवान ने हम सबको एक खास काम के लिए भेजा है। ये मेरा काम है जो मैं हर रोज करती हूं, हर रोज यही काम करती हूं, वही घर का काम जो हजारों औरतें करती होंगी, पर मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करती हूं। पर इसकी किसको पड़ी है? ये काम कोई खास काम थोड़ी ना है, इसमें भला किसको इंटरेस्ट हो सकता है? और अब तो मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है। दुनिया में झांक के देखती हूँ तो ऐसे लगता है कि बाकी लोगों की जिंदगी कितनी हैपनिंग है, हर पल वो लोग एंजॉय करते हैं, वो लड़की कितनी शांत है, और मेरे अंदर तो जैसे सैलाब आ गया हो। 8 घंटे सो के भी दिन के 24 घंटे काटना मुश्किल हो जाता है,
एक एक मिनट जैसे काटने दौड़ता है, और इन्हें देख के ऐसे लगता है कि दिन में 100 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। नाचना गाना तो जैसे मैं भूल ही गई। कितना पसंद था मुझे म्यूजिक एक वक्त पे, इट वॉज माई लाइफ देन। पर जिंदगी में आगे बढ़ते हुए ये सारी चीजें पीछे ही छूट गई। अब जब लोगों को देखती हूँ ये सब करते हुए तो कितना मिस करती हूँ वो सारी चीजें। सब लोग अपनी जिंदगी में खुश होंगे, खुश है, जो उन्हें चाहिए वो करते हैं, हमेशा उनकी खुद की टर्म्स पे जीते हैं। मेरी ही एक जिंदगी भगवान ने ऐसी बनाई है कि कठपुतले की तरह किसी और की उंगली पे नाची जा रही हूं। क्या खुश होना कोई आर्ट है जो मुझे नहीं आता? ऐसी भी क्या कमियां डाल दिया भगवान ने मुझ में कि इतनी अच्छी कॉफी भी एंजॉय नहीं कर पा रही। लोगों को बाहर से लगता होगा कि कितनी लैविश है मेरी लाइफ, कितना आराम है मेरी जिंदगी में। पर आराम और खुशी, इनमें बहुत फर्क होता है। पता नहीं क्या दुश्मनी है भगवान को मुझसे। अब तो यकीन हो गया है कि भगवान भी फेवरिज्म करते हैं। बस बस बस, कितना भगवान भगवान, अब जान लेके मानोगे क्या भगवान की? अरे इतना तो नास्तिक भी नहीं गाली देते यार। कहां से आ रही है ये आवाज? अब इधर उधर क्या देख रही हो तुम? इंसानों का यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो चाहो वो दे भी दू ना तो भी तुम उस पर यकीन नहीं करोगे। अरे मैं ही हूं भगवान जिसे अब कोस रही थी तुम। हाँ होंगे तुम, तो ऐसा क्या किया है तुमने मेरी जिंदगी में कि जो तुम्हारी आरती उतारूंगी मैं? एक मिनट, पर आरती तो तुम रोज ही उतारती हो। पहले ये दुनिया जिंदगी जैसे बड़े बड़े शब्द बोलना बंद करो। यहाँ पे बच्चा बच्चा फिलोसोफर बना बैठा यार, और इतना अच्छा इंसान का जन्म दिया और क्या दू? हर एक को क्या जीना भी मैं ही सिखाऊ? 7.2 बिलियन पॉपुलेशन हो गई यार तुम लोगों की, अभी हर एक को पर्सनली अटेंड करना मुझसे नहीं होगा। जीना सिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुशियां और गम बांटते वक्त कम से कम सबके साथ इंसाफ तो कर सकते हो ना। मैं किसी को खुशी या गम नहीं देता, मैं तो बस लोगों के गिलास पानी से भरता हूं। अब वो खाली है या भरा हुआ, ये नजरिया तो आप ही को तय करना है। यहाँ पे सबके पास एक्सक्यूजेस है, भगवान के पास भी। एक्सक्यूज मी, नाउ दिस इज अ सीरियस एक्यूजेशन। ठीक है चलो मेरे साथ। पापा ने मेरी बॉल फोड़ दी, पर मैं पढ़ाई नहीं करूंगी। मुझे फुटबॉल खेलना है, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। पापा को ये समझ क्यों नहीं आता? कोच सर, अभी इनको क्या बताओ कि मैं प्रैक्टिस को क्यों नहीं आ रही हूँ? पापा ने सब कुछ खराब कर दिया। आई हेट यू पापा, आई हेट यू। I love this music. I love this music. And I will play football. And I will become a footballer one day.
जल्दी ठीक हो जाओ भाई, बिना तुम्हारे यहाँ मेरा एक एक मिनट एक एक साल जैसा कट रहा है। लोगों के लिए मैं एक आज कामयाब यूट्यूबर हूँ, पर मेरे लिए ये तुम्हारा सपना है जो मैं जी रही हूँ। शायद ये नहीं होता तो वक्त काटने को दौड़ता। जल्दी उठ जाओ। भगवान, तूने मेरे भाई को तो बचा लिया, अब उसे जल्दी ठीक भी कर देना। That bloody bitch Shalini took all the credit. And that motherfucker boss Kapadia, he wants his every subordinate in his bed. They ruined all my hard work of last 2 months just to prove themselves right, bloody assholes. This pool makes me forget all my worries. There is nothing more relaxing than this. I just enjoy every second I spend here. जिंदगी में सबको सब कुछ नहीं मिलता, बस मिलते हैं तो खुश होने के कई सारे मौके, जिन्हें या तो हम अपने तकलीफों के सामने नजरअंदाज कर राह देख सकते हैं कि कोई और हमारी जिंदगी में आके हमें खुशियां दे, या फिर खुद ही खुद के हमराही बनके जो पल हमारे हिस्से आए हैं उन्हें अपने नजरिए से जी के जिंदगी बना सकते हैं। खास तौर पे शहरों की गृहिणी के लिए किटी पार्टीज का बहुत बड़ा महत्व है। आज से 25-30 साल या उससे ज़्यादा समय से पहले जब हम कभी सुनते थे टीवी सीरियल्स में जिक्र सुनते थे किटी पार्टीज का, तब जो कल्पना होती थी किटी पार्टीज के बारे में कि सब लेडीज हैं, कुछ पत्ते खेल रही हैं या जुआ खेल रही, क्या पता नहीं क्या सोचते थे लोग, दैट इज़ नॉट द केस। अब किटी पार्टीज जो हैं बढ़िया जो है आपस में एक सोशलाइज करने का एक अच्छा जरिया बन गया है। ख़ास तौर पर कोई लेडी मान लीजिए बाहर से ट्रांसफ़र होकर किसी शहर में आती है तो सबसे पहले वो ढूंढती है कि कोई किटी पार्टी ज्वाइन की जाए, इससे आपकी पहचान बढ़ती है और आप लोग आपको जानने लगते हैं। तो नथिंग रॉन्ग विद किटी पार्टीज, और जब जब किसी एपिसोड में कुछ थोड़ी सी जगह होगी तो हम आपको किटी पार्टीज के बारे में कोई ना कुछ चीज़ डालते रहेंगे। अभी किसी गेम के बारे में हम डाल रहे हैं, ज़रा देखिए। चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप हर एपिसोड को ध्यान से पूरे एपिसोड को देखा कीजिए और शेयर कीजिए अपनी और दूसरी दोस्तों को, और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। चलिए मिलते हैं फिर।
हेलो फ्रेंड्स, तो एक कॉइन और एक स्पून की हेल्प से खेलने वाले हैं आज हम बहुत ही ज्यादा मजेदार गेम। और इस गेम को हम किटी पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो, कोई भी फैमिली फन पार्टी हो, आपकी ऑल टाइप्स ऑफ पार्टीज में बहुत ज्यादा मजेदार हो और बहुत सब बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं जो गेम खेलता है और साथ में जो हमारे मेंबर्स देख रहे होते हैं। तो इस गेम को खेलने के लिए 1 मिनट देना है और एक टास्क कंप्लीट कराना है, वो है बहुत ही मजेदार। हमें कॉइन्स को हेड एंड टेल ही कराना है, लेकिन हमें कराना है स्पून की हेल्प से। वो कैसे, चलिए इससे पहले रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल्स पर जो नए आते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकॉन के साथ। और मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर तो बनता है। तो चलिए आज का गेम कैसे खेलना है। जैसे मेंबर्स को देना है स्टार्टिंग में 1 मिनट, तो उसे क्या करना है, स्पून की हेल्प से पार्टी हाउस को ध्यान रखना है। बस इसमें पार्टी हाउस को ये ध्यान रखना है, मेंबर्स जब जंप करा रहा है तो हेड एंड टेल से कैसे करा रहा है। जैसे देखिए, यहां मैं टेल से स्टार्ट कर रही हूं, उसे जंप करा के इसी के ऊपर लेना है, कॉइन्स से ही जंप कराना है। अब हेड आ गया मेरा, तो मींस मेरा 1 पॉइंट हो गया, मेरा 2 पॉइंट्स, देखिए 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स। अब मेरा कॉइन नीचे गिर जाता है तो मेंबर्स को बोलना है कि स्पून्स की हेल्प से ही उन्होंने कॉइन उठाना है। यस फ्रेंड्स, यही बहुत मजेदार है। पॉइंट्स तो बनेंगे लेकिन जैसे ही कॉइन नीचे गिरेगा तो मेंबर्स को कॉइन स्पून से ही उठाना है, उसे बस कॉइन पे हैंड नहीं लगाना जब तक 1 मिनट तक गेम उनका कंप्लीट नहीं हो जाता। और उठाने के बाद कोई सी भी साइड से स्टार्ट हो सकता है, फिर से काउंटिंग होगी। जैसे देखिए, मेरे 4 के बाद हो गया 5, मेरा फिर से गिर गया। अब मैं हेड से स्टार्ट कर रही हूं, देख रहे हैं आप। अब जैसे मैंने टेल से स्टार्ट करा था, लेकिन जंपिंग के बाद भी मेरा फिर से टेल आया है, तो यहां मुझे पॉइंट्स नहीं मिलेगा। जंप करानी भी हमें ऐसे है कि डायरेक्शन चेंज होनी है, हेड से टेल आना है तो पॉइंट्स मिलेगा, और टेल से हेड आया तो पॉइंट्स मिलेगा। यदि हमें जंप कराने के बाद टेल पर टेल ही रहा कॉइंस, तो भी कोई पॉइंट्स नहीं मिलेगा। अब देखिए नीचे, अब जैसे टेल से स्टार्ट कर रही हूं, देखिए 7, 8, जब कॉइन नीचे गिरते हैं ना इस स्पून से, रियली फ्रेंड्स बहुत एंजॉय करते हैं सब। तो इसी तरह से गेम खेलना है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन और हमारे फ्रेंड्स जब हम जंप कराते हैं तो वो जंप नहीं कराने देते, हंसते हंसते सब हमारा बैलेंस को बिगाड़ देते हैं। तो यही मस्ती होती है गेम में, जब सब बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स एंजॉय करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलने वाले हैं ऐसे ही अमेजिंग गेम आइडियाज के साथ ज्योति क्रिएशन के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।